हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद फन। देखिए, आज हम फिजिक्स के कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी लाए हैं जिनकी यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होते हैं। ये फिजिकल क्वांटिटी जो है 11th और 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम या कोई टीचर का एग्जाम हो, DSSB, KBS, NBS, TGT, PGT वगैरह में, इनमें ये डायमेंशन फॉर्मूले और यूनिट इनकी क्वांटिटियों की पूछी जाती है। तो देखिए, ये ऐसी यूनिट है जिनके यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूले बराबर होते हैं, सबके सेम होते हैं। जैसे फोर्स, वेट, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन। तो फोर्स, वेट, टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन का यूनिट जो होती है, यूनिट तो होती है न्यूटन, और डायमेंशनल फॉर्मूला होता है इसका ML T^-2। डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ML T^-2। फिर है वर्क, इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्क। वर्क, इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्क, इनके जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है वो जूल, या न्यूटन मीटर। और डायमेंशनल फॉर्मूला है इसका ML²T^-2। ये होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। जूल भी कह सकते हैं यूनिट को, यूनिट जूल भी होती है, न्यूटन मीटर भी होती है, और ML²T^-2 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। फिर है फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी या वेलोसिटी ग्रेडियंट। फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है S²^-1, और डायमेंशनल फॉर्मूला होता है इसका T^-1। फिर अब प्रेशर, स्ट्रेस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एनर्जी डेंसिटी। प्रेशर, स्ट्रेस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एनर्जी डेंसिटी, इसका जो यूनिट होती है वो यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ML²T^-2। इंपल्स और मोमेंटम, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट होती है, इंपल्स और डायमेंशन मोमेंटम की यूनिट होती है न्यूटन सेकंड, और डायमेंशनल फॉर्मूला होता है इसका ML T^-1। एंगुलर मोमेंटम या प्लांक कांस्टेंट, इसकी यूनिट होती है जूल सेकंड, और डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ML²T^-1। सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी फोर्स कांस्टेंट, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ML T^-2। और यूनिट होती है इसकी न्यूटन, यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। स्ट्रेन, एंगल, रिलेटिव डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी कोई नो डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो देखिए, ये कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी थी जिनकी यूनिट सेम होती हैं और डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें।